गुड इवनिंग निमी, वेलकम आदेश, सौरभ, रूपाली, मनीषा, प्रिया, वेलकम, गुड इवनिंग रूपाली, सौरभ नमस्ते, मनीषा, प्रिया, वेलकम, गुड इवनिंग रचना जी, सरिता जी, रिंकी, सुगम, स्वागत है आप सबका, गुड इवनिंग सुगम, गुड इवनिंग रेखा जी, उदय, अंजू, एमपी, वेलकम, स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सी सेट और यूपीएसआई के लिए। खुश रहो एमपी, स्वागत है बच्चों। सी सेट और यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट, उसके पहले बैचेस की जानकारी, जो रिचुअल है हम लोगों का पर डे का, उन बैचेस की जानकारी ले लेते हैं और इसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। बैचेस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए, जहां पर हर सैटरडे और संडे आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग सब्जेक्ट के सॉरी टेस्ट होंगे। जैसे 1 मई को आपका हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, 2 मई को आपका ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ था, इसके बाद नेक्स्ट सैटरडे संडे यानी 8 और 9 को आपके सामने पॉलिटी और इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट का क्लास होगा, टेस्ट होगा, और फिर इसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of May ये 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के लिए, जिनसे जिनको दे करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने यूपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट अगर बैचेस की बात करते हैं तो बैचेस हमारे सामने कौन कौन से हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस को 2022 को ध्यान में रखते हुए आपका एक बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, एक और बैच आपका प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए 5th of May से स्टार्ट हो रहा है, यूपीपीएससी के पीसीएस के आरओ एआरओ के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक बैच आपका 3 मई से स्टार्ट किया गया है, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका साथी नाम का एक बैच है जिसमें करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल की क्लासेस होंगी धनंजय सर और आकांक्षा मैम के द्वारा, आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इन क्लासेस को, इन प्लस क्लासेस को लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के फायदे आप लोगों को पता है, आप घर बैठ करके आराम से क्लास ले सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, कवरेज ऑफ सिलेबस, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल एक्सेट्रा, आपको हर एक चीज मिलेगी जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। और इन बैचेस के साथ साथ आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनके एग्जाम्स के लिए भी आपको लगातार बैचेस मिलते रहेंगे। आपको केवल और केवल क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है 10% ऑफ के साथ DC10 रेफरल कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और चूंकि लॉकडाउन है, ऑफलाइन की सारी कोचिंग क्लासेस बंद है, तो बेहतर यही होगा रिजल्ट की आप लोग ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करते रहे। जितने भी लोग सब्सक्राइब हैं ऑलरेडी वो सभी लोग, और जितने नहीं है सब्सक्राइब वो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12+2 वाला ऑफर अभी भी वैलिड है फ्रॉम 1st of May टू 15th of May, जहां पर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे लेकिन वो 14th मंथ के लिए वो सब्सक्रिप्शन आपका वैलिड होगा, तो ये ऑफर भी वैलिड है, आप जब चाहें तब इसको ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं और जितने भी लोग जुड़ गए स्वागत है आप सबका, उदय, गोविंद, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया, शिवानी, सुधीर, स्वागत है आप सबका, गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और पहला प्रश्न एकदम सिंपल आसान सा है, ये रहा पहला प्रश्न आप सबके सामने, जरा देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। आर की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, आर की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन ये, मैं इसका लॉजिक आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, बेहद आसानी से कर ले जाएंगे आप लोग, और मैं पोल पर चलता हूँ इसके। लोगों का सही, चलो देखो क्या कह रहा भैया प्रश्न को, अगर हम देखते हैं तो हमको क्या नजर आता है, चार डाइस दिए गए हैं, ठीक है, और इन चार डाइसेस में हमारे सामने एक ही डाइस को 4 बार फेंका गया है ऑब्वियसली, ठीक है, प्लस पे क्लास हो गया नामिका जी, प्लस पे क्लास 7 मई से स्टार्ट है, 7th of May, ठीक है, और पहला टॉपिक है नंबर सीरीज, टाइमिंग सेम रहेगी 9:30 बजे से, ठीक है, 9:30 से 11 सुबह की, 7 मई यानी कि फ्राइडे से क्लास स्टार्ट है नामिका, ओके,
नमस्ते हनुमान प्रसाद जी, स्वागत है। नहीं, 5 मई से नहीं है, असल में आरओ यारओ का बैच उसके साथ मर्ज हो रहा है तो उसको 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। 5 मई की जगह 7 मई से क्लास स्टार्ट होगी बेटा, ठीक है। गुड इवनिंग तुलिका जी, क्या कह रहा है भैया प्रश्न में? हमको एक ही डाइस को जब 4 बार फेंका गया तो एक ही डाइस को 4 बार फेंकने पर 4 अलग अलग बार उसकी आकृति हमको दिखाई दी, और कह रहा है कि देख करके बताना है कि आर की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर, यानी आर के अपोजिट में कौन सा अक्षर आएगा, ये उसने हमसे पूछा। बहुत आसान होता है ना इस प्रकार के प्रश्न। मैंने आप लोगों को समझाया कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए। सबसे पहले अगर मोर देन टू डाइसेस हमारे सामने दी गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले एलिमिनेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर सबसे पहले एलिमिनेशन करते हैं तो बच्चा अगर एलिमिनेशन को चेक करें जाकर के तो किसके सामने पता करना है, आर के सामने पता करना। भाई बहुत बेसिक सी चीज आप लोगों को पता है कि जो अपोजिट होगा वो नियर बाई नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अपोजिट होगा वो कभी भी नियर बाई साइड में नहीं आ सकता, और अगर नियर बाई साइड में नहीं आ सकता है तो भैया करना क्या है, पहला आर कहाँ पर दिखा, सेकंड वाली डाइस यानी बी पर दिखा है, उसके साथ में पी और बी लिखे ना, अगर पी और बी उसके नियर बाई साइड्स में तो ये कभी भी अपोजिट में नहीं आ सकते। ऑप्शन में से पी और बी को कैंसिल कर दिया, आर के साथ में यहाँ क्या लिखा हुआ है, जे और वाई लिखा हुआ है, नियर बाई साइड में कभी भी अपोजिट नहीं आ सकते। ऑप्शन में से वाई को भी कैंसिल कर दिया, क्या बचा, केवल और केवल आई। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आई इज द ओनली राइट आंसर, आर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया जितने लोगों का गलत हुआ था। गुड इवनिंग साधना जी, स्वागत है क्लास में आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, बताओ। हुड्डा जी नमस्ते, स्वागत है, इसका उत्तर बताइए। कोई बात नहीं शिवानी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब भी आप क्लास में आए, जब भी आपको समय मिले आप पूछ सकते हैं डाउट अपने। दस से 15 सेकंड बाद इसका पोल देते हैं। और ये रहा इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उनतालीस प्रतिशत लोगों ने सही किया है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया, लॉजिक क्या चल रहा है बताओ जरा। नमस्ते पूजा जी, गुड इवनिंग पारुल, क्या भैया लॉजिक क्या चल रहा है बताओ, 81 से 91, 109, 146, 221, 351, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या है उसके पीछे का ये बताओ। यानी फर्जी मारा है ना, पोल में नाम दिखा था आपका। अच्छा, जिस चीज को देख करके रोना आ रहा है उसको देख क्यों रहे हैं आप? जय श्री कृष्णा रंजीत जी, कैसे हैं आप भैया? कोई गैपिंग, कितने की गैपिंग चल रही है, 10, 18, 37? चलो चल चल करके जरा देखा जाए इसको। ये हमारे सामने सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, मैंने नीचे लिख दी ताकि प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में आसान रहे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया रंजीत जी,
अगर डिफरेंस निकालते हैं चल करके इसका, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 81 से 91 में 10 का डिफरेंस है, ठीक है, 91 से 109 पर जाते हैं, 9 और 9 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18 का, 109 से 146 पर जा रहे हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, 36 और 1 37 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर कितने का डिफरेंस है, यहां पर अगर डिफरेंस देखते हैं जाकर के तो 50 21 71 और 4 कितना आ गया, 75 का डिफरेंस है, और फिर यहां पर देखते हैं जाकर के तो 130 का डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस फर्दर हमको मिल रहा है क्या, कुछ लॉजिक इस डिफरेंस से नजर आ रहा है क्या, अगर एक बार और ब्रेक करके इसको देख लेते हैं तो 10 और 18 में 8 का डिफरेंस है, 18 और 37 में अगर चलते हैं जाकर के 17 का डिफरेंस है, 37 से 75 पर 35 और 3 38, कहां पर 85 आएगा, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, इक्यासी में अगर 9 जोड़ते हैं तो 90 आता है, 91 में 1 कम रह रहा है, 91 में 10 जोड़ते हैं तो आता है हमारे सामने 101, और पहुंचना है 9 पर यानी 8। देखो जरा ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं, 1 का क्यूब प्लस 8 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 10 आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से समझना, 1 का क्यूब प्लस 8 प्लस 1 10 आएगा ना, और आगे बढ़ते हैं 9 प्लस 1, इन संख्याओं को आपस में जोड़ दिया 10 हो जाएगा, 109 पर पहुंचना है, 1 के क्यूब के बाद अगर 2 का क्यूब किया जाए तो बच्चा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है, दैट इज 9 प्लस 1 10 और 8 18 हो जाएगा, ये 18 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी पैटर्न के साथ अगर आगे बढ़ते हैं देन 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 3 का क्यूब अगर करते हैं तो 9 1 10 और कितना होता है 27, कितना मिल रहा है 37 मिल रहा है, कंफर्म हो गया ना रूल क्या लग रहा है, और अगर रूल कंफर्म हो गया हम लोगों के सामने तो 75 के लिए क्या करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ कितना हुआ होगा 5 का क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा 6 का क्यूब हुआ होगा, 6 का क्यूब प्लस 3 प्लस 5 प्लस का 1, इसको जोड़ करके जरा बताओ कितना आएगा, 6 का क्यूब प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा, ये इसको जोड़ने से बच्चा कितना आएगा, आंसर 576 आ रहा है, इनको जोड़ने पर कितना है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 4 कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 220, और 5 कितना हो जाएगा 226 सॉरी 225, और 225 को जब बच्चा 351 में जोड़ेंगे तो 225 और 351 जोड़ने पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 576, प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली राइट आंसर, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, मजेदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद 10 18 37 75 130 ये समझ आ रहा था हमको, लेकिन ऐसी कई सारी कंडीशंस हम लोगों ने देखी है जहां पर इसको फर्दर ब्रेक करने पर एक कोई कॉमन लॉजिक हमको मिल जाता है, इसको ब्रेक कर रहे थे तो 10 और 8 18 में 8 का अंतर मिला, 18 से 37 में 19 का, 37 से 75 में 38 का, और यहीं तक रिपीट करने के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से समझ लो बच्चा, यहां तक करने के बाद फिर लॉजिक इसके आगे नहीं बढ़ रहा था कि अगर मैं इसको ब्रेक भी करता हूं तो यहां पर 11 का डिफरेंस आएगा, इसके आगे बढ़ते हैं तो 19 का डिफरेंस आएगा, कोई एग्जैक्ट सर्टेन लॉजिक नहीं मिल रहा था, सर्टेन लॉजिक नहीं मिला था इसको, इसके लिए इसको यहीं पर ब्रेक कर दिया, फिर दूसरे लॉजिक पर गए चल करके कि क्या क्यूब या स्क्वायर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, अगर 81 से 91 पर जाते हैं तो 2 का क्यूब नजर आ रहा था, लेकिन फिर जोड़ा कितना जाए प्लस 2 कर सकते हैं तो 10 आएगा, यहां अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हमारे सामने 27 हो रहा था लेकिन जोड़ा तो 18 गया है केवल, ठीक है, तो उस क्यूब वाले मेथड को भी अगर चेक करने लगे तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब नहीं बन रहा था, तो 1 के क्यूब से यहां पर स्टार्ट किया हम लोगों ने, 1 का क्यूब किया तो 1 ही होगा, जोड़ा कितना जाए कि 10 हो जाए, तो बच्चा 9 और जोड़ना था, 9 कैसे जोड़ सकते थे, तो 8 प्लस 1 को आपस में जोड़ने पर 9 मिलेगा ना, तो 1 का क्यूब प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया, उसी प्रकार से जब आगे बढ़े क्या लॉजिक सब जगह अप्लाई हो रहा है क्या, तो 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, हमको चाहिए कितना 18, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और जैसे ही 2 का क्यूब 8 हुआ 18 हुआ, ये लॉजिक सर्टेन हो गया, कोई बात नहीं साची होता है कभी कभी, ठीक है बच्चों, 109 हुआ
और 109 के बाद जब हम आगे बढ़े तो बच्चा 1 + 0 + 9 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 10 37 हो गया। और जैसे ही 37 दिखा हमको लॉजिक और रूल कंफर्म हो गया, उसी लॉजिक के आधार पर हमको पता चला कि यहाँ पर 6 का क्यूब होना चाहिए और 6 के क्यूब में इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 225 और जोड़ने पर कितना आएगा 576। अभी क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, समझ आ गया है? अगले प्रश्न पर चलें। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आप सबके सामने, उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। बताओ भैया इसका उत्तर क्या आएगा? ये रहा इसका पोल, उत्तर बताओ। चालीस प्रतिशत लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न में, कहता है तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, ठीक है, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, स्टेटमेंट क्या बोला है अमर ने? अमर ने बोला है उसकी माता का भाई, किसके बारे में? इस लड़की के बारे में बोला ना उसने कि इस लड़की की माता, इस लड़की की माता का भाई मेरी माँ के पिता, यहां पर कौन है? अमर। अमर की माता के पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है, अमर की माता के पिता का इकलौता बेटा है, लड़की की माँ अमर से कैसे संबंधित है? ये जो लड़की है ना, इस लड़की की माता किससे, अमर से कैसे संबंधित है, ये उसने उनसे पूछा है। ध्यान से समझने का प्रयास करो। माँ पर तो बहुत सारे कम लोग गए थे, बहुत सारे लोग बहन पर आंसर किए थे, ठीक है, बहन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। लड़की का अमर से क्या संबंध है ये नहीं पूछा है, लड़की की माता का अमर से क्या संबंध है ये उसने हमसे पूछा था, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो लड़की की माता का भाई यानी लड़की का कौन, मामा, अमर की माता के पिता, अमर की माता के पिता कौन हो गए? अमर के नाना। अमर के नाना का इकलौता बेटा कौन हुआ? अमर का मामा हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर अमर के नाना का इकलौता बेटा अमर का मामा हुआ तो इस लड़की का भी मामा ये व्यक्ति है, अमर का भी मामा ये व्यक्ति है। महिलाओं को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को कि भैया यहाँ पर यही महिला जो है इस लड़की की माता अमर की भी माता हो सकती है, लेकिन उसने स्पेसिफाई किया हुआ इकलौती बेटी करके या सॉरी इकलौता बेटा करके उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, पूरे प्रश्न में कहीं पर भी निर्धारित नहीं किया जा सकता करके उसने कोई ऑप्शन हमको नहीं देख रखा है, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता ऐसा करके उसने कोई ऑप्शन हमको दिया नहीं है। माँ बहन चाची मामी मौसी यानी आंट का ऑप्शन हमारे सामने उपलब्ध है, माँ पर डेफिनेटली नहीं जा सकते इस फिगर को देख करके, इस फिगर को बनाते हुए या इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कहीं पर भी एक पल के लिए ऐसा विचार नहीं आया कि हम यहाँ पर इसकी माता को एक समान रखें, ठीक। इस वजह से जब वो हमसे कहता है कि लड़की की माता का अमर से क्या संबंध है, तो लड़की की माता कौन हुई, इस लड़की की माता अमर की मौसी हुई कि नहीं हुई, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर पर कहां जाएंगे, मौसी पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली राइट आंसर। समझ आया आया हो तो अच्छे से बताओ, नहीं आया हो तो बताओ, हम दोबारा समझाएं। आ गया,
चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। ओके, अभी फिर से ध्यान दिला देना तो पीछे वाले क्वेश्चन को समझा देंगे चल के। इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। नमस्ते तेज, नमस्ते, कैसे हो बच्चा। सिंपल सा प्रश्न है इसलिए पोल थोड़ा जल्दी दे देंगे। ये रहा इसका पोल, उत्तर बताओ। चवालीस प्रतिशत लोग सही किए हैं, बाकी सब लोग गलत कर दिए हैं। देखो भैया, लास्ट सिंगल डिजिट पर 8 आ रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे चल करके। ठीक है, अभी चल करके चेक कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है भैया, इसको देखा जाए। कहता है उत्तर आकृति में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करना है। ठीक है, वही हम भी सोच रहे हैं यार हुड्डा जी, कि एक एचएस हुड्डा और एक हरजिंदर सिंह हुड्डा, दो व्यक्ति अलग अलग कैसे आ गए। क्या कह रहा है प्रश्न में, नॉन वर्बल एनालॉजी का प्रश्न है। ए से बी में जो भी लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक हमको सी से डी में भी लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर सेम लॉजिक लगाना है तो अगर हम ए से बी वाली आकृति पर जाते हैं तो ए से बी वाली आकृति में ये ट्रायंगल और ये सर्कल, सर्कल नॉन शेडेड था, ब्लैंक था, और उसको शेडेड कर दिया है, एक तो ये चेंज है। दूसरा, इस ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट हुआ है इसका। ठीक है, और ये जो लाइन एल शेप वाली लाइन दी गई है, ये एल शेप वाली लाइन कहां पर, ऊपर की जगह नीचे पर आ गई है। ये तीन चेंजेस हुए कि नहीं चेंजेस हुए। वही चेंजेस अगर सी से डी में करते हैं तो बच्चा ये जो हमारे सामने ए ट्रायंगल है इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉक में ले जाएंगे तो ये ट्रायंगल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। सर्कल यहाँ पर शेडेड दिया गया है, नॉन शेडेड सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन जो नीचे की ओर है ऊपर की ओर पहुंच जाएगी तो ये कुछ ऐसी मिलेगी हमको। ऐसी आकृति हमको कहाँ पर नजर आ रही है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी पे ऐसी आकृति नजर आ रही है। यही सी वाला क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ए टू सी और बी टू डी भी लगाओगे तो भी तो सी वाली ही आकृति बनेगी। और कौन सी आकृति बनेगी, ए टू बी और डी टू सी में जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर जस्ट अपोजिट कर रहे हैं तो सर्कल को नॉन शेडेड किया है ना, सर्कल को अगर नॉन शेडेड से शेडेड पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चा इस बी वाली आकृति को जस्ट अपोजिट बनाएंगे तो सेम आकृति बनेगी, और ये आकृति कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। ठीक है, अगर ऊपर की ओर आकृति जाएगी तो इस शेडेड वाले एरिया को नॉन शेडेड में करेंगे ना, तो बी वाला तो बच्चा शेडेड सर्कल है पारुल, बी वाला शेडेड सर्कल है। हम एक बार देख रहे हैं कि ए से बी में जाएं तो सर्कल का कलर चेंज हो रहा है, तो सी से डी में जाएंगे तो भी तो सर्कल का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बी वाला तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। एरो वाली कंडीशन को समझो, पहले वाले फिगर को देखो, ए वाले में जो एरो है वो आपका इस प्रकार से बना हुआ है ऊपर की ओर, इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में टर्न किया तो ये एरो आपका कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और बी वाली आकृति में जस्ट इसके नीचे आ गया। ठीक है, यानी ये जो हमारे सामने ट्रायंगल नुमा आकृति बनी हुई थी, इस ट्रायंगल नुमा आकृति में पहले ये एल शेप ऊपर था, लेकिन जब ए से बी में जाते हैं तो यही एल शेप कहां पर आ गया है, नीचे आ गया है। ठीक है, नीचे आ गया। यहाँ पर बच्चा सी वाली आकृति में ये एल शेप कहाँ पर है, नीचे की ओर है, जब सी से डी में जाएंगे तो ये एल शेप कहाँ पर आ जाएगा, ये एल शेप ऊपर की ओर आ जाएगा, किसमें, ट्रायंगल में ऊपर की ओर, ऐसे। तो ऐसी आकृति बच्चा सी में दिख रही है, बस यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आया समझ की नहीं आया, क्लियर हो गया ये।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, जरा इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास में, आप सबका स्वागत है, वेलकम एवरीवन। बताइए भैया इसका उत्तर क्या आएगा। नौ सौ तिरालीस को 27129 लिखा जाता है, तो इसी कोडिंग प्रणाली में 12345 के लिए कोड क्या होगा। जिनका डन हुआ है, जिनका आंसर सही आएगा, विदाउट लॉजिक आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए लॉजिक के साथ तैयार रहना। पोल आपके सामने। इक्यासी प्रतिशत लोगों ने सही किया है और बाकी सारे लोगों का है गलत। मल्टीप्लाइड बाई थ्री इन ईच नंबर 943 लिखा हुआ है, ठीक है, और 943 का कोड क्या हो गया, 27129 करके लिखा हुआ है। अगर ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री देन वी गॉट द डिजायर्ड नंबर 27129। जैसे 943 लिखा हुआ है, ठीक है, और 943 में आगे बढ़ते हैं तो 9 तिया कितना होता है 27, 4 तिया कितना होता है 12, और 3 तिया कितना होता है 9, 27 12 9 मिल गया। सेम कंडीशन जब हम 1 2 3 4 5 6 के साथ करेंगे तो 1 into 3 कितना होगा 3, 2 into 3 कितना होगा 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पचे 15 मिल रहा है ना डिजायर डिजिट 36 91 215। कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर मिल रहा है, यही क्या हो गया, प्रश्न का सही उत्तर हो गया। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि तुम लोग परेशान हो सकते हो, उस क्वेश्चन को तुम लोग कर लेते हो, लॉजिक पकड़ लेते हो। जो लगता है कि ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको तो कर ही लोगे तुम लोग, उस क्वेश्चन की तुम लोग एकदम धज्जियां उड़ा देते हो। मतलब ऐसा ऐसा लॉजिक खोज करके लाते हो कि हमको समझ नहीं आता कि हम कहें क्या आखिरकार। ठीक है, हमको समझ नहीं आता कि हम क्या कहें इस क्वेश्चन के लिए, कितने सिंपल से प्रश्न की तुम लोगों ने ऐसी तैसी करके रख दी। ठीक, चलो खैर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सब लोगों के सामने, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। नहीं, ऐसा जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था ना, ये केवल खुराफाती दिमाग कर सकता है, साधारण दिमाग नहीं करेगा इसको। खुराफाती दिमाग जो होगा खाली वो करेगा इसको। इसका उत्तर बताइए। यार्ड किसी तरह से बाढ़ से संबंधित है, उसी तरह से सेल से कौन संबंधित होगा। अच्छा, इस प्रश्न का पोल मैं देने चल रहा हूं आप लोगों को, ये रहा इस प्रश्न का पोल, उत्तर बताओ क्या आएगा। लॉजिक पर चलते हैं। क्या भैया इसका लॉजिक क्या बताओ। यार्ड जैसे किसी तरह से बाड़े से संबंधित होता है, ठीक है, यार्ड और बाड़ समझते हो कि नहीं बोलते हो भैया। ये सेल घड़ी वाला सेल तो नहीं समझ लिए हो, हैं? ये सेल, ये वाला सेल लिखा हुआ है, ठीक,
ब्लड सेल्स एग्जैक्टली ठीक। यार्ड जिस तरह से बाड़े से समझ, यार्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह, बच्चा उस जगह के आसपास बाड़ लगाया जाता है। बाड़ मतलब लोहे के कटीले तार लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि जिन अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग या अनावश्यक लोगों का या व्यक्तियों का प्रवेश उसमें नहीं होना चाहिए, उनसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ठीक है। उसी तरह से झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन जो होती है ठीक, यार्ड क्या करता है बच्चा, बाड़ क्या करता है सॉरी, बाड़ यार्ड में अनावश्यक लोगों को पहुंचने से रोकता है ठीक है, सेफ्टी करता है उस पर्टिकुलर जगह की। उसी तरह से सेल की जो हमारे सामने सेफ्टी होती है, वो किसके द्वारा की जाती है, मेम्ब्रेन के द्वारा की जाती है। मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है, झिल्ली होती है छोटी सी, वही डिसाइड करती है कि कौन सा लिक्विड फ्लड जाना चाहिए उसके अंदर, उस सेल तक पहुंचना चाहिए या कौन सा नहीं पहुंचना चाहिए ठीक है। तो जिस तरह से बाड़ प्रोटेक्शन करता है यार्ड का, उसी तरह से सेल का प्रोटेक्शन कौन करता है, झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन करती है उसका प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया, आगे बढ़े अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। छोटा सा लॉजिकल पजल है, सही उत्तर बताने का प्रयास करो। दस से 15 सेकंड बाद इसका बोल देते हैं। ये रहा इसका पोल। क्या कह रहा है प्रश्न में, अनिश्चित पर गए हैं कई सारे लोग, लेकिन इसके बावजूद गलत बहुत सारे लोगों का हुआ है। कह रहा है प्रश्न में, पिछले एक वर्ष के दौरान जोस ने स्टीफन से अधिक फिल्में देखी ठीक है। पिछले एक वर्ष के डेटा की तुलना करके हमसे बोल रहा है कि जोस ने स्टीफन से अधिक फिल्में देखी हैं। फिर बोलता है कि स्टीफन ने डैरेन की तुलना में कम फिल्में देखी हैं। स्टीफन ने डैरेन की तुलना में कम फिल्में देखी हैं, ऐसा उसने हमसे बोला ठीक। अब हमसे प्रश्न कहता है कि यदि पहले दो कथन सत्य हैं, यानी इन दो कथनों की बात कर रहा है वो, कि पहले दो कथन अगर सत्य हैं तो तीसरा कथन कैसा होगा, सत्य होगा असत्य होगा या अनिश्चित है, हम बता नहीं सकते कुछ। तो अगर तीसरे कथन की ओर जाते हैं बच्चा, तो तीसरे कथन में उसने बोला है डैरेन ने जोस से ज्यादा फिल्में देखी। डैरेन ने जोस से ज्यादा फिल्में देखी। अगर इस पहली वाली स्थिति के आधार पर चलते हैं तो हमको पता है जोस ने ज्यादा फिल्में देखी हैं स्टीफन से ठीक है, और स्टीफन ने डैरेन की तुलना में कम फिल्में देखी हैं। तो स्टीफन और डैरेन की तुलना में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जोस ने या डैरेन ने एक दूसरे में से किसने सबसे ज्यादा फिल्में देखी, क्या इन दोनों पहले और दूसरे समीकरण से बताया जा सकता है क्या कि किसने ज्यादा फिल्में देखी हैं। स्टीफन से ज्यादा जोस ने भी देखी हैं, स्टीफन ने डैरेन की तुलना में कम फिल्में देखी, तो डैरेन ने भी स्टीफन से ज्यादा फिल्में देखी हैं। तो हम जोस और डैरेन को लेकर के नहीं बता सकते ना निश्चित तौर पर कि ये सत्य होगा कथन या असत्य होगा कथन, नहीं बता सकते ना ठीक। कैसे पता डैरेन ने ज्यादा देखी है, वो हमसे पूछना चाहता है कि तीसरा सही है कि नहीं सही है। वो हमको कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है बच्चा तीसरे वाले में कि तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, हमको बताना है कि तीसरा वाला सही है कि नहीं।
ठीक, तो बच्चा पहले दो स्टेटमेंट से हमको पता करना है कि तीसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहले दो स्टेटमेंट हमको बता रहे हैं जोस ने स्टीफन से ज्यादा फिल्में देखी, दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या बताता है कि डेरेन ने स्टीफन से ज्यादा फिल्में देखी। अब जोस ने भी स्टीफन से ज्यादा देखी है, डेरेन ने भी स्टीफन से ज्यादा देखी है, लेकिन जोस और डेरेन में से किसने ज्यादा देखी है, क्या इसका कोई डेटा हमारे पास है? नहीं है ना। और अगर इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि डेरिन ने जोस से ज्यादा फिल्में देखी या नहीं देखी, हम नहीं बता सकते हैं, तो इसको सत्य मानेंगे क्या नहीं, असत्य मानेंगे क्या नहीं, अनिश्चित। हमारे पास कंफर्म डेटा नहीं है, आंकड़े नहीं है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम इसको बता सके, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर बताओ। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये वो आपसे जानना चाहता है, देखो और सही उत्तर बताने का प्रयास करो। दस सेकंड में इसका पोल देते हैं आपको। ये रहा प्रश्न का पोल, उत्तर बताओ। पंद्रह प्रतिशत लोगों का केवल सही है, बाकी सब लोगों का गलत है। ध्यान से समझना, वाई नॉट ए वाई नॉट बी, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में। पहले कथन में उसने हमसे बोला है भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ विरोध करने के लिए पुलिस थाने के बाहर जमा हुई उपद्रवी भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज का प्रयोग किया। ठीक है, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ विरोध करने के लिए पुलिस थाने के बाहर जमा हुई उपद्रवी भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज का प्रयोग किया है, क्या ये कारण है जिसका परिणाम हुआ है? दूसरा वाला, सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों की जांच आरंभ की है, क्या पहला वाला इसका प्रश्न का उत्तर हो सकता है? मतलब अगर जब तक पुलिस थाने में जा करके वो भीड़ पुलिस वालों के अत्याचार का विरोध ना करती, तब तक वो अत्याचार की जांच प्रारंभ नहीं होती। और फिलहाल की जो कंडीशन है, स्टेटमेंट में बोला है उपद्रवी भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, तो उस पुलिस के खिलाफ केस होना चाहिए वापस से, या जिन अधिकारियों के द्वारा अत्याचार की कंडीशन हुई थी, अत्याचार किया गया था, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्या? हाँ या ना, बताने का प्रयास करो जरा। जब वो हमसे कहता है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ विरोध करने के लिए पुलिस थाने के बाहर जमा हुई पदवी भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज का प्रयोग किया, दैट मीन्स कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा अत्याचार हो चुका है। ठीक है, उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा अत्याचार हो चुका है जिसकी जांच अब सरकार ने करी है या जांच आरंभ की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा है ना, यहाँ पर तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उस उपद्रवी भीड़ पर लाठी चार्ज किया है। दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को कहीं पर भी सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, रिपेल कर रहे एक दूसरे को। पहला वाला गलत, की पहला कारण और दूसरा परिणाम है, गलत हो गया। ठीक, दूसरा वाला, दूसरा कारण और पहला परिणाम है, सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों की जांच आरंभ की है, इसलिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ विरोध करने के लिए पुलिस थाने के बाहर जमा हुई उपद्रवी भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज का प्रयोग किया। मतलब तुम लोगों की नौटंकियों की वजह से सरकार ने हमारे खिलाफ जांच आरंभ की है, हम तुमको लाठियों से मारेंगे। इज इट, ऐसा होना चाहिए?
क्या सेकेंड वाला परिणाम हो सकता है पहले वाले का, हाँ या ना? नहीं हो सकता ना, ठीक, नहीं हो सकता तो बी वाला भी कैंसिल, बी वाला भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब अगर बी वाला हो नहीं सकता है तो ये तो निश्चित तौर पर पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही चीजें हमारे सामने परिणाम या प्रभाव हैं। अगर पुलिस वालों ने उनको मारा है तो ये भी परिणाम है, और अगर अत्याचार की जांच आरंभ हुई है तो ये भी क्या है, परिणाम है, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन है? तो स्वतंत्र कारण वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, स्वतंत्र कारणों के परिणाम है या सामान्य कारणों के परिणाम है, दोनों जगह पर एक व्यक्ति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कौन है वो एक व्यक्ति? भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ। यहां पर भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा किए गए कथित अत्याचारों की जांच आरंभ हुई है, और यहां पर भी पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसकी वजह से उस भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोनों का कारण समान है कि नहीं है? और अगर दोनों का कारण समान है तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैंने अभी अभी तो बताया पूजा जी, दोनों का सब्जेक्ट समान है, किसकी वजह से ऐसा स्टेटमेंट हमको देखने को मिला? यहां पर भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की बात कर रहा है, सेकंड वाले में भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की बात कर रहा है, दोनों के पीछे का रीजन तो एक है ना। यहां पर जांच किसके लिए आरंभ की गई? उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को पकड़ने के लिए। यहां पर भी पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था वो भीड़ कर क्या रही थी? भीड़ उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के विरोध के लिए प्रदर्शन कर रही थी, उनके उनके खिलाफ विरोध कर रही थी। तो दोनों में ही सब्जेक्ट हमारा कॉमन हुआ ना, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? सामान्य कारण के परिणाम है। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ा जाए। फिर ज्यादा दिमाग लगा लिया कि सेकंड वाले में ये बोल सकते हैं दिखावे के लिए कर रहे होंगे जांच। अरे ये अलग एक स्टेटमेंट है, सरकार को पता चला कि भैया पुलिस अधिकारी कुछ भ्रष्ट हैं, ऐसी ऐसी स्थिति सामने आई तो सरकार ने अलग से जांच आरंभ की है, ठीक है। लेकिन वो जनता अपने विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पर गई हुई थी, दैट डजंट मींस कि सरकार ने हमारे सामने दिखावे के लिए ऐसी जांच आरंभ की है, इसका ये मतलब नहीं होगा, ठीक है। कि अब चूंकि वहां पर पुलिस थाने के बाहर भीड़ जाकर के पहुंच गई थी तो अब सरकार ने दिखाने के लिए आनंद फानंद ने बोला कि नहीं नहीं भैया अब जांच शुरू करते हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आराम से करना, प्रॉपर समय दे रहे हैं, जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन में। सीसेट और यूपीएसआई लेवल के हैं पूजा जी। खोल दिया जाए इसका प्रश्न खाली, देखने में बड़ा लग रहा है, कंडीशंस छोटी छोटी हैं, मेन खेल है ऑप्शंस में, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना था बस, ठीक है। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सबके सामने, उत्तर बताइए क्या आएगा।
56% लोगों ने सही किया है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना रमन, और बाकी सारे लोग भी जिन 44% लोगों का गलत हुआ है। देखो कह रहा है प्रश्न में हमारे सामने, अरे भैया ये प्रश्न ही ऐसा होता है, आधे लोग बेचारे घबरा जाते हैं कि पता नहीं किस टाइप का प्रश्न आ गया, कहाँ जाएं, आधे तो बेचारे इसमें परेशान हो जाते हैं, इस टाइप का प्रश्न हमारे में आएगा ही नहीं कभी। अच्छा क्या कह रहा है प्रश्न, जरा ध्यान से देखो। कहता है पांच फिल्में आंकड़े अपर्याप्तता का डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। कहता है पांच फिल्में पी क्यू आर एस तथा टी सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक दिखाई, यानी 5 दिन है, 5 अलग अलग फिल्में हैं, शुक्रवार को कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी वो हमसे जानना चाहता है। ठीक, शुक्रवार को कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी। दो अलग अलग कथन दिए उसने, तरीका मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कई बार डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन को करने का, कि आपको पहले केवल स्टेटमेंट वन को चेक करना होगा कि केवल पहले से उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं, फिर सेकंड को चेक करना पड़ेगा कि सेकंड से उत्तर दे पा रहे हैं कि, अगर दोनों से दे पा रहे हैं तब प्रश्न का उत्तर लगा देते हैं सी वाला यानी आइदर, या फिर दोनों में से किसी एक से दे पा रहे हैं तो वो ऑप्शन नंबर ए और बी में हमारे सामने दिया गया है। जब ऐसी कोई स्थिति नहीं मिलती है तब दोनों स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, और फिर मर्ज करके आंसर अगर दे पा रहे होते हैं तब उत्तर ई लगाते हैं, अदरवाइज तो उत्तर क्या लगा देते हैं, डी वाला। बस इतना सा लॉजिक है प्रश्न का, बाकी प्रश्न बड़ा सिंपल था। स्टेटमेंट वन को लेकर के अगर चलते हैं बच्चा, ठीक है, तो स्टेटमेंट वन को लेकर के उसने क्या बोला है, पी मंगलवार को दिखाई, यानी पी कब दिखाई जाएगी, मंगलवार को दिखाई जाएगी। आर और एस के बीच में दो फिल्में हैं, ठीक है, और आर एस से पहले दिखाई जाती है, तो आर के और एस के बीच में दो फिल्में हैं और आर कब दिखाई जाती है, एस के पहले, लेकिन दिन नहीं बता सकते ना कौन से दिन दिखाई जाती है। केवल पहले वाले से आंसर नहीं आ सकता है, दूसरे वाले पर चलते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, क्यू बुधवार को दिखाई, यानी तो पी जैसे मंगलवार को दिखाई गई थी, केवल पहले से आंसर नहीं दे सकते, कैंसिल कर दिया। क्यू कब दिखाई जानी है, वेडनेसडे को। फिर कहता है कि फिल्म क्यू तथा आर के बीच में केवल एक फिल्म दिखाई जानी, तो क्यू और आर के बीच में अगर केवल एक फिल्म दिखाई जानी तो कंफर्म हो रहा है कि आर कब दिखाई जाएगी। अगर ये वेडनेसडे को दिखाई जा रही है और क्यू और आर के बीच में केवल एक फिल्म दिखाई जानी, तो बच्चा ऊपर तो जा नहीं सकते यहाँ पर, और अगर ऊपर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे वाली कंडीशन को लेकर के रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। अच्छा फिर कहता है फिल्म एस टी के तुरंत पहले दिखाई जाएगी, अगर एस टी के तुरंत पहले दिखाई जाएगी तो उसको कहाँ पर अरेंज किया जाए, ये भी नहीं समझ आ रहा है। तो अगर दोनों को मर्ज करके डेटा पर लिया जाए तो दोनों को मर्ज करने पर हमारे सामने कौन सी कंडीशन आती है, कि बच्चा पी पर कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, पी कब दिखाई जाएगी, ट्यूसडे को दिखाई जाएगी, क्यू कब दिखाई जाएगी, वेडनेसडे को दिखाई जाएगी, ठीक है। आर और एस के बीच में चार फिल्में हैं ऐसा वो हमसे बोलता है, और अगर आर और एस के बीच में चार फिल्में हैं तो हम कहां पर रख सकते हैं बच्चा, मंडे को रख सकते हैं ना, ठीक है, मंडे को आर रख सकते हैं। तो अब हमारे सामने 1, 2, 3 और 4 इस तरह से फिल्में हो जाएंगी हमारे सामने, सॉरी मंडे और उसके बीच में दो फिल्में दिखाई जाएंगी, आर और एस की कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। एक सेकंड देखने तो पहले आर को अगर मंडे पर रखते हैं तो, और आर और एस के बीच में दो फिल्में दिखाई जानी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, और हमारे सामने 5 दिन बचे थे, बचा क्या हमारे सामने टी, और उसने बोला है एस फिल्म टी के तुरंत पहले दिखाई जाती है, तो थर्सडे को कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, एस वाली, और फिर यहाँ पर फ्राइडे को कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, टी वाली फिल्म दिखाई जाएगी। उसने हमसे यही पूछा था कि आखिरकार फ्राइडे वाले दिन कौन सी फिल्म दिखाई जाती, तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर निकल सकता है ना, कब, जब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया जाए, तो दोनों को मर्ज करने पर उत्तर क्या निकल रहा है हम लोग, हाँ आर पी क्यू एस टी, यही बन रहा है लॉजिक। तो दोनों को मर्ज करने पर हमारे सामने प्रश्न का उत्तर आ सकता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई वाला, कि यदि कथन एक और कथन दो के डेटा को मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझ आ गया प्रश्न करना क्या था, केवल पहले वाले से उत्तर नहीं आ रहा था, केवल दूसरे वाले से उत्तर नहीं आ रहा था, जब दोनों को मर्ज कर दिया तो मर्ज करने पर इतना छोटा छोटा लिख दिया था कि हम ही को नहीं समझ आ रहा था कि हमने लिखा क्या है वहां पर। ठीक है, आर पी क्यू एस टी, ये इसका लॉजिक बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पी और चलते हैं। बिटिया जब दोनों को मर्ज करोगे स्टेटमेंट को तो हमको पता है कि हमारे दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
ठीक है, ये 5 दिन है हमारे सामने, और इन 5 दिनों को लेकर के जब चलते हैं तो हमारे सामने कंफर्म दिन कौन कौन से आ रहे हैं। हमको पता है पी कब दिखाई जाएगी, मंगलवार को, बुधवार को कौन सी दिखाई जाएगी, क्यू, जब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और पता है कि आर और एस के बीच में 2 फिल्में बच्चा, अब अगर आर और एस के बीच में 2 फिल्में तो केवल और केवल आर यहाँ पर और एस यहाँ पर हो सकता है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं आ सकता ना आर और एस। ठीक है, अब उसने ये भी कहा था कि आर फिल्म एस से पहले दिखाई जाएगी, एस टी के तुरंत पहले दिखाई जाती है, तो बच्चा एस यहाँ पर है तो यहाँ पर केवल और केवल टी बचेगी, फ्राइडे को फिल्म टी दिखाई जाएगी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए क्या आएगा। हाँ, अगर ऑप्शन दोनों को मर्ज करने पर भी बेटा आंसर नहीं मिलेगा तब आंसर डी लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 केवल और केवल तब लगाते हैं जब हमारे सामने स्थिति होती है कि केवल पहले वाले से आंसर दे पा रहे हो दूसरे वाले से नहीं, या फिर केवल दूसरे वाले से आंसर दे पा रहे हो पहले वाले से नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का पोल ये रहा आप सबके सामने, उत्तर बताओ क्या आएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, क्या रह गया है यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पार्ट इसका रहेगा, और हर पार्ट में अगर देख रहे हैं जाकर के तो यहाँ का फिगर भी कुछ ऐसा बनना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इस तरह का ऐसा फिगर कहाँ पर नजर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, सब गलत है, केवल चौथे में ऐसा फिगर नजर आ रहा है। प्रश्न का उत्तर हो गया, अगला प्रश्न उत्तर बताओ क्या आएगा। बताओ इसका उत्तर जल्दी से। बढ़िया, मैं 10 से 12 सेकंड में खोल देता हूँ। ये रहा पोल, उत्तर बताइए। सत्ताईस प्रतिशत, 26 प्रतिशत, बी वाला क्यों है? अच्छा, मतलब पूरा आंसर नहीं मिला तो इसलिए बी को लगा दिया, पूरा आंसर नहीं मिला तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ई लिखा हुआ है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न को जरा ध्यान से देखो। हाँ रूपाली, बिल्कुल सही, सेकंड वाला सही, फर्स्ट और थर्ड में आए। क्या कह रहे हैं भैया प्रश्न में देखो, कहता है कुछ मोती रत्न है। ठीक है, कुछ मोती क्या है, रत्न है। ठीक है, सभी रत्न हीरे हैं, तो सभी रत्नों को कहाँ पर कर दिया, हीरे में कर दिया, कोई हीरा पत्थर नहीं है, तो कोई भी हीरा पत्थर नहीं, और कुछ पत्थर क्या है, मूंगा है, तो कुछ पत्थर मूंगा है, ये लिख दिया। ठीक, अब इस फिगर के आधार पर चलते हैं, पहला कंक्लूजन उसने पूछा है कुछ पत्थर मोती हैं, ये पत्थर का सर्कल है, ये मोती का सर्कल है, पत्थर का मोती से आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ या ना, पत्थर का मोती से कुछ डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो ये डाउट का केस होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगला, कुछ मूंगा हीरा होने की संभावना है,
ये मूंगा लिखा हुआ है, ये हीरा, हीरे का पत्थर के साथ नो का रिलेशन है, हीरे का पत्थर के साथ नो का रिलेशन है, और पत्थर और मूंगे का रिलेशन क्या है, आपस में सम का। अब अगर वो ये कहता कि कोई भी मूंगा हीरा होने की संभावना नहीं है, या कुछ मूंगा सभी मूंगा हीरे होने की संभावना है, तो डेफिनेटली उसको रॉन्ग करते। लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने कुछ यानी सम का केस हमसे पूछा है, तो हमको दिख रहा है कि कुछ पत्थर मूंगा है और कोई भी पत्थर हीरा नहीं है, लेकिन ये जो बचा हुआ मूंगा हुआ वो तो हीरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों स्थितियां होंगी कि नहीं होंगी। तो जब वो हमसे कहता है कि कुछ मूंगा हीरा होने की संभावना है, तो हीरे का मूंगे के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो डाउट का रिलेशन होगा, संभावना यानी पॉसिबिलिटी लगी है, तो पॉसिबिलिटी डाउट की क्या होती है, एकदम सही। तो इसको सही कर दिया सेकेंड वाले को। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में कहता है कोई पत्थर मोती नहीं है, तो फिर से पत्थर का मोती से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो डाउट का केस आ गया। अब पहले और तीसरे वाले को अगर देखेंगे, तो आइदर के केसेस के लिए तीन कंडीशन बताई थी, उसमें से पहली कंडीशन थी कि टू कंक्लूजन मस्ट बी इन डाउट, दो कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए, पहला और तीसरा दोनों डाउट में, सब्जेक्ट प्रिडिकेट मस्ट बी सेम, पत्थर और मोती यहाँ पर भी है, पत्थर और मोती यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट प्रिडिकेट भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, कुछ पत्थर मोती है पॉजिटिव और कुछ पत्थर मोती नहीं है नेगेटिव है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आइदर का केस आएगा ना, यानी प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कहीं उसने हमको दिया नहीं ना ऑप्शन में, कहीं नहीं दिया, और अगर कहीं नहीं दिया तो हम भैया प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तर ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए उसका उत्तर क्या लगाया था, उपरोक्त में से कोई नहीं, प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। क्लियर है? सेकेंड वाला क्यों सही होना चाहिए ये पूछ रहे हो तेजा? अच्छा चलो, सेकेंड वाला क्यों सही होना चाहिए उस पर जरा चर्चा करते हैं। जैसे ये हमारे सामने लिखा हुआ है पत्थर, और कुछ पत्थर क्या है, मूंगा है, और कोई भी पत्थर हमारे सामने हीरा नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ सम, दैट मींस मे और मे नॉट बी, बोथ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सम ए आर बी का मतलब क्या हुआ, बोथ पॉसिबिलिटीज में दैट मे बी सम ए आर बी, ठीक है, मे बी सम ए आर बी एंड मे बी नॉट, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग ए मे और मे नॉट बी, तो बच्चा अगर कुछ पत्थर हमारे सामने मूंगा है, तो बचा हुआ जो ये पत्थर हमारे सामने मूंगा हुआ, ठीक है, बचा हुआ ये जो मूंगा हुआ, ये बचा हुआ हिस्सा दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ हो सकता है कि पत्थर हो जाए, हो सकता है कि पत्थर ना हो, दोनों संभावनाएं निकल करके आती हैं, और अगर दोनों संभावनाएं निकल करके आती हैं, तो एग्जैक्टली कितना बताएंगे कि कुछ पत्थर जो मूंगा है और हीरा कोई भी पत्थर नहीं है हमारे सामने, कोई भी पत्थर हीरा नहीं, तो मूंगे का इतना पार्ट, मूंगे का इतना पार्ट कभी भी हीरा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई भी पत्थर हीरा नहीं है, तो मूंगे का इतना पार्ट हीरा नहीं हो सकता, लेकिन अब जो बचा हुआ हमारे सामने मूंगा हुआ, ठीक है, तेज, जो बचा हुआ एरिया हुआ हमारे सामने मूंगे का, वो हीरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फिर से दोनों स्थितियां निकली, और अगर दोनों स्थितियां निकली कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमारे लिए कैसा केस रहेगा, हमेशा डाउट का केस होगा कि नहीं होगा, और चूंकि डाउट केस में पॉसिबिलिटी लगी हुई है, इस वजह से प्रश्न का उत्तर क्या कर दिया हम लोगों ने, सही कर दिया। क्लियर? चलें अगले में, चलो अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। ऑप्शंस अलग अलग होते हैं पूजा इसके, एक सही होता तो उसका उत्तर अलग होता, एक भी सही नहीं होते तो भी हम यही लगाते, वो हमसे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कंक्लूजन सही हैं, उत्तर आ रहा कोई नहीं सही है तो भी लगाते उनमें से कोई नहीं, दोनों स्थितियों में वही उत्तर लगाते, ई वाला। ये रहा इस प्रश्न का पोल, इसका उत्तर बताओ।
क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? ठीक है, बीच की संख्या दो लिखी हुई है, यहाँ पर जीरो लिखी हुई है, बीच की संख्या कैसे आ सकती है पता करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे चल करके। 42/6 कर दिया जाए तो कितना आता है हमारे सामने? 7। और 3/15 कर दिया जाए, सॉरी 15/3 कर दिया जाए तो कितना आता है? 5। 7 और 5 दोनों को आपस में माइनस करने पर कितना मिलता है? 2 मिलता है। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे की दोनों संख्याओं का आपस में भाग दे दें, लेफ्ट और राइट की दोनों संख्याओं का आपस में भाग दे दें, दोनों का क्या कर लें? अंतर निकाल लें, तो बीच की संख्या मिल रही है। जैसे 19 दूनी कितना होता है? 38। और 10 दूनी कितना होता है? 20। 2 - 2 करने पर 0 मिल रहा है। सेम कंडीशन, 9 चौको 36 और 3 3 9, 4 - 3 करने पर कितना मिलेगा? 1। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सबके सामने, उत्तर बताइए क्या आएगा, कौन है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? चलो थोड़ा खेला जाए। ओल आप सबके सामने, एक्सपेक्टेड था कि 33% लोग सी पर जा सकते हैं, कुछ लोग दैट मीन सी पर जा सकते हैं, लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक क्या लग रहा है? जितने लोगों का सही हुआ है 131 क्यों होना चाहिए? हनुमान प्रसाद सी क्यों होना चाहिए? सी एक परफेक्ट क्यूब है, 5 का क्यूब। व्हाट डज क्लासिफिकेशन मीन्स? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 या 3 एक समान हो, कोई एक अलग हो। यही होता है ना क्लासिफिकेशन का मतलब। 3 या 4 में से जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनमें से 3 4 ऑब्जेक्ट कैसे हो, एक समान हो और कोई एक अलग हो। अगर हम 125 वाले ऑप्शन पर चलते भी हैं तो बाकी ऑप्शंस किस बेस पर एक दूसरे के समान है? 130, 131, 138, 146 किस बेस पर एक दूसरे के समान होंगे? ये ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ बताइए उदय। क्या लॉजिक है आपका? नहीं, वो नहीं चल पाएगा।
देखो अब इस प्रश्न को मैं इसीलिए जब मैं पोल दे रहा था तो मैंने पोल देते वक्त आप लोगों से कहा था कि थोड़ा सा खेलते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, और खेलते वाली स्थिति में चलते हैं, तो क्लासिफिकेशन हो या एनालॉजी के क्वेश्चंस हो, इनमें यही एक बड़ी समस्या होती है, एक लॉजिक पर एक आंसर मिलता है, दूसरे लॉजिक पर दूसरा आंसर मिलता है, और इनकम्पेटिबिलिटी दोनों लॉजिक सही होते हैं, ठीक है। बस मैं यही समझाना चाहता था कि 131 सही उत्तर है प्रश्न का, क्योंकि लॉजिक पर चलते हैं तो 131 के आधार पर 130, 125, 138, 146 ये सारी की सारी डिविजिबल संख्याएं हैं। ओनली 131 इज द ओनली प्राइम नंबर इन दिस सीरीज, ठीक है, ये केवल और केवल इकलौता प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए इसको अलग कर लिया। बाकी को चेक करते हैं जा करके, नहीं गलत नहीं कर सकते, बाकी को चेक करते हैं जा करके, तो 125 इज द ओनली नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ओनली नंबर, नो अदर नंबर इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है, 130, 131, 138, 146 कोई भी परफेक्ट क्यूब के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये दोनों ही लॉजिक कैसे सही है। लेकिन आयोग ने प्रश्न का उत्तर केवल और केवल बी वाले को माना, उसने सी वाले को तवज्जो ही नहीं दी है, ठीक। उनसे जब कहा जाता है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका कहना है कि तीन चार एक समान हो, कोई एक अलग हो, ये प्राइम नंबर है अलग है, उनको नहीं समझ आता है कि भैया 125 भी परफेक्ट क्यूब है, वो भी अलग है, कैसे अलग हो रहा है, तो भैया कोई और परफेक्ट क्यूब है ही नहीं आपके सामने, तो ये अलग हुआ ना, लेकिन उनको समझ नहीं आता, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3 इज 131। अब ऐसे तो अलग अलग प्रकार के लॉजिक निकलेंगे तेज, 131 पर भी मल्टीप्लीकेशन का रूल कुछ और बन सकता है, ठीक है। अब लेकिन इस लॉजिक के आधार पर भी चल सकते हैं कि ऐसा समान नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करके केवल एक ही नंबर पर पहुंचा जा सकता है, सो 131 इज द आंसर, ठीक। लेकिन 125 को गलत नहीं बताया जा सकता, दैट इज व्हाट आई मीन, ठीक है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं आज की क्लास के, ठीक है, मैं बताता हूं अभी क्या है वो, ये रहा अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, उत्तर बताओ क्या आएगा। अजम्पशंस के पीछे कुछ लॉजिक है, ये मैथमेटिकल कंडीशन के क्वेश्चन हो जाते हैं मनीषा, इस वजह से ऐसा हमारे सामने स्थिति आती है, ठीक है। अजम्पशंस के या लॉजिकल के क्वेश्चन में हमारे सामने एक सेट पैटर्न या सेट लॉजिक है कि हमको इस नियम के आधार पर सोचना होता है, उस कंडीशन के आधार पर सोचना होता है, लेकिन मैथमेटिकल कंडीशन में कई बार हमने देखा है एक ही मैथ का क्वेश्चन कई प्रकार से लग जाता है, ठीक है, तो बस उस स्थिति की वजह से ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसका उत्तर बताओ क्या आएगा, मैं देखता हूं उदय, और इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, ये राजा उत्तर बताइए क्या आएगा। अभी आते हैं सोल्यूशन पर, 42% लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न में, पहले पांच और अंतिम पांच तत्व तो उलट दिए जाते हैं, पहले पांच तत्व तो कौन से हैं हमारे सामने, दैट इज परसेंटेज, 3 स्टार H एंड 5, और आखिरी पांच तत्वों को भी उलट दिया जाता है, तो क्या बनता है हमारे सामने, C एंड U। अच्छा 2 से स्टार्ट हो गई, ठीक है, और अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे सामने सी आएगा, देन एंड आएगा, U 8 एंड 2 ये बनेगा, और इसके बाद उसने हमसे बोला क्या है, कंडीशन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत बाद एक अक्षर है, प्रतीक के जस्ट बाद एक अक्षर है, पहला प्रतीक अक्षर नहीं है, उसके बाद में स्टार के जस्ट बाद एक अक्षर मिलेगा, एक मिल गया तुम लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रतीक के जस्ट बाद एक अक्षर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया हमारे सामने, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो ये 4 हो गया, और
चार के बाद एक और मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है, चार या पांच, एट द रेट वाला, हाँ पांच हो गया, तो टोटल हमारे सामने कितना आ गया, पांच आ गया, और यही क्या हुआ, प्रश्न का सही उत्तर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज फाइव, क्लियर है। एम एट द रेट ए वाले में पहले भी मिल रहा है, बाद में मिल रहा है, हमको केवल बाद वाले से मतलब है, तो एट द रेट के बाद ए मिल रहा है, बस उतना हो गया। पहले और आखिरी के पांच का मतलब वो तो कंडीशन हो गई थी ना बच्चा, कि पहले और आखिरी वाले को हमको बदलना है, ठीक है, और उसके बाद बीच वाले को, उसने ऐसा थोड़ी ना कहा कि हमको बीच वाले को काउंट ही नहीं करना, बीच वाले को भी तो काउंट करना था ना, इस वजह से उसको काउंट करना पड़ेगा, तो पहले और बीच वाले को, तो उसकी वजह से कई लोगों का आंसर तीन आया हो, क्योंकि वो डॉलर ई वाले को और एट द रेट ए वाले को काउंट ही नहीं करेंगे, हैश बी वाले को काउंट ही नहीं करेंगे, है कि नहीं। कौन सा दिखाना था क्वेश्चन, ये वाला, हाँ दिखाते हैं लीडर बोर्ड अभी, अब मैं देखा हूं, दे बस एक मिनट चलते हैं, अब इसमें ये बताओ किसको कहां पर क्या चेंज कर रहे हो, यानी हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन ये है, 130, 131, 125, तो तुम चेंजेस किस में कर रहे हो, ठीक है, अब ये बताओ बच्चा यहाँ पर चेंजेस क्या किए हैं तुमने, डिफरेंस है अंकों का, यानी 1, 3 और 0 का डिफरेंस है, 1 और 3 का डिफरेंस लिए हो, 1 और 3 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 2, फिर यहाँ पर 3 और 0 का डिफरेंस ले रहे हैं कितना आ रहा है, 3, 3 और 1 का डिफरेंस ले रहे हैं 2, 3 और 1 का ले रहे हैं यहाँ पर भी 2, यहाँ पर ले रहे हैं 1, यहाँ पर ले रहे हैं 4, 1, 3 और 8 का ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर ले रहे हैं आकर के, तो 1, 4, 6 में यहाँ पर 3 का बनेगा और यहाँ पर 2 का बनेगा, ये संख्या निकल करके आ रही, तो आपके अनुसार ये 2 और 2 समान आ रहा है, बाकी सब में संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है, इस वजह से आंसर बी वाला होना चाहिए, ऐसा आपका कहने का मतलब है, ठीक है। एक प्रकार से बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, मैं बोल दूंगा 25 आ रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसके अलावा और किसी में स्क्वायर नहीं बन रहा, डी इज वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, 25 आ रहा है डिफरेंस लेने पर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बाकी किसी में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, वुड बी राइट आंसर, झुठला नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा बस ये सारी कंडीशंस होती है, इसलिए मैं पहले ही बताता हूँ आप लोगों को कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं, या एनालॉगी के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जहां पर मल्टीपल लॉजिक लगते हैं और मल्टीपल लॉजिक पर हमारे सामने मल्टीपल आंसर आते हैं, ये 100 में से करीब 10 क्वेश्चंस में होने वाली समस्या है, खास करके क्लासिफिकेशन और एनालॉगी के अंदर, ठीक है। फिलहाल आज के क्वेश्चन समझ में आ गए सारे लोगों को, या कोई डाउट है, लास्ट वाला कौन सा, ये वाला, ये वाला, भैया देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से समझ लो, पहले पांच और अंतिम पांच तत्व उल्टे उल्टे क्रम में लिखे जाने, ठीक है, पहले पांच अक्षर बच्चा कौन सी है, ये 5H*3% और T, इनको उल्टे क्रम में लिखना है, उल्टे क्रम का तो मतलब समझते हैं ना, पहले पांच और अंतिम पांच तत्व उल्टे क्रम में लिखे जाने हैं या आपस में बदलने हैं, ऐसा लिखा है, आपस में बदले जाने हैं ऐसा लिखा है क्या उसने, तो काहे उनको उठा करके लास्ट में रख दिया और काहे उनको उठा करके पहले रख दिए, प्रिया क्या पूछना है आपको बताइए, रिवर्सिंग, एक एक करके कमेंट, एक एक करके पूछो भैया, एक एक करके पूछो, ठीक है, ध्यान से एक एक करके पूछो, रिवर्सिंग, ठीक है, और एक्सचेंजिंग, बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। अच्छा अल्फाबेटिकल सीरीज में जब वो हमसे कहता है कि, अल्फाबेटिकल सीरीज में जब वो हमसे कहता है कि भैया पहले पांच तत्वों को उलट दिया जाता है, ठीक है, पहले पांच तत्वों को, अभी मैं ये डाउट समझा लूं, इसके बाद प्रिया आपके डाउट पर आते हैं, ठीक है, पहले पांच तत्वों को उलट दिया जाता है, तो पहले पांच तत्वों को उलटने का मतलब क्या होता है, उलटने का मतलब है कि ये जो, ये हमारे सामने ए बी सी डी ई से लेकर के जेड तक लिखा होता है बच्चा, इसके पहले पांच तत्वों को उलट देते हैं, दैट इज ई डी सी बी और ए लिखते हैं, या हम इसके तत्वों को उठा करके जेड के पीछे लगा देते हैं जा करके,
यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बच्चा तत्व को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब है कि उनकी प्लेसेस को चेंज नहीं करना है। अगर प्लेसेस को चेंज करेंगे दैट मीन्स एक्सचेंजिंग दियर प्लेसेस, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन आता है ना कि अपना स्थान आपस में बदलने के बाद, तो यहां पर अपना स्थान आपस में नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। हिंदी में भी बच्चा अगर ऐसे लिख करके देगा तो वो आपसे कहेगा अपने स्थान पहले पांच और अंतिम पांच तत्वों के स्थान आपस में बदलने के बाद, तत्वों को उल्टे क्रम में लिखे ऐसा लिख करके नहीं देगा, ठीक है। प्रिया राठौर जी, अब आप अपना डाउट बताइए, क्या डाउट है आपका? क्या डाउट है भैया, बताओ जल्दी। अरे ये डेफिनेशन लिखी हुई थी क्लासिफिकेशन की भैया, ये डेफिनेशन लिखी हुई है क्लासिफिकेशन की। व्हाट क्लासिफिकेशन मीन इज कि आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट या वस्तुएं होती हैं, उन ऑब्जेक्ट या वस्तुओं में से कोई तीन या चार आपस में समान होते हैं, कोई एक अलग होता है, उसी अलग को पहचानना वर्गीकरण कहलाता है। डेफिनेशन लिखा हुआ था, ठीक है, ऊपर जाकर के कमेंट नहीं पड़ेंगे। बच्चा दोबारा बताओ क्या है, क्या पूछना था आपको? और कल सुबह 9:30 बजे अगली क्लास लेंगे, क्या पूछना है बता दीजिए। अब ऊपर जाकर के मैं कमेंट कहाँ ढूंढूंगा, क्या पूछना है आपको? 9:30 बजे सुबह कल पर मिलेंगे फिर से स्पेशल क्लास में। टाइप टॉपिक होगा कंप्यूटर मेमोरी पर एमसीक्यू, ठीक है। इसमें कई सारे लॉजिक लग रहे हैं, तभी तो मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है। आयोग ने उत्तर 131 माना है, आप 125 भी दे सकते हैं, वो गलत नहीं है, तभी तो मैंने कहा था। ऐसा प्रायोरिटी जैसा कुछ नहीं होता बच्चा, 125 को क्यों प्रायोरिटी नहीं देंगे? हाँ सुबह भी स्पेशल है, प्लस वाली 7 मई से स्टार्ट होगी, तेज प्लस की क्लास 7 मई से स्टार्ट होगी। 9:30 पर कल सुबह कंप्यूटर और टॉपिक रहेगा मेमोरी, उसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में यहीं पर खत्म करते हैं, कल मुलाकात करते हैं सुबह आप लोगों से 9:30 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय। आना रह गया, रुको भी, ऐसे कैसे लीडर बोर्ड देख करके जाऊं, ये है लीडर बोर्ड की स्थिति, ठीक है। अब करते हैं, खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं कल सुबह, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट बाय।